प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे भारत माता की। पंडित प्रेमनाथ डोगरा चौक पर हम लोग इस कर्म भूमि पर जहाँ से हम लोगों ने बड़े संघर्ष किए, बड़े बड़े संघर्ष किए, आज हम यहाँ पर जो पखवाड़ा हम लोग 5 अगस्त से, जिस दिन हमारी गुलामी की बेड़ियों से हमें आज़ादी मिली थी, आज तक हम ये लोग अलग अलग चरणों में मना रहे हैं। आज हम लोग जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं यहाँ पर, उन सब की जो मूर्तियाँ उनके चौक हम सफाई कर रहे हैं, और उसके बाद आज हम पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का दूध से स्नान करेंगे और उसके बाद पूजा पाठ यहाँ पे करेंगे। और आप देखें, ईस्ट के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे और जिला के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे और स्टेट के कार्यकर्ता हमारे यहाँ लगे हैं, और उनके अंदर जो मनोबल है, उनके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है, उनके लिए जो तिरंगे की पावन तिरंगे का जो प्यार है वो यहाँ झलक रहा है, और आने वाले समय में ये मनोबल हमारा बरकरार रहे और आज़ादी जो हमें मिली है, इस आज़ादी को हम और मजबूत और डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की राह पे लेके जाएं। इसलिए आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक संकेत दे रहे हैं कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं और आ गए हैं। 5 अगस्त जो है वो इस देश के लिए अब ऐतिहासिक बन चुका है, जम्मू कश्मीर के लिए तो वैसे ही ऐतिहासिक बन चुका है। 5 अगस्त के दिन पिछले वर्ष जो है माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक प्रदान और एक निशान जो है वो एक संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा किया और यहाँ से 370 और 35 हटाया। इस 5 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने और पूरे जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की भी अगर हम बात करें, तिरंगा जो है बड़ी शान शौकत से फहराया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने ये पखवाड़ा 15 दिन का जो है वो उसमें स्वच्छ भारत भी, स्वच्छता भी एक उसमें, स्वच्छता ही जीवन है एक जो है एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम आज के दिन पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जितने भी हमारे चौक हैं, जितने भी हमारे महापुरुषों के स्थल हैं, जितने भी हमारे शहीदी स्तंभ हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट हमारी प्लेसेस हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाकर सफाई अभियान कर रहे हैं। आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा चौक में भी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आकर यहाँ पर जो सफाई अभियान के तहत यहाँ पर सफाई की है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो आज पूरे तरीके से जो है वो आज़ाद हो चुका है। यहाँ एक विधान, एक प्रधान, एक निशान जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो लागू हो चुका है। और एक बात कह के कि भाई कश्मीर के अंदर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उसके बावजूद कश्मीर के अंदर 5 अगस्त और 15 अगस्त जो है शान शौकत से मनाया।